ये कहानी है 1938 की, केराली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, उसको जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कॉन्फर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उस पर गोल्ड मेडल केराली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी, उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जो कि वो आर्मी में था तो कि एक्सीडेंट हो गया। उसका उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे, एक तो यही कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जाके चुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था वो पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था, जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका इलाज चला हॉस्पिटल में, और सही 1 महीने बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी अपनी लेफ्ट हैंड के लिए। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 पे वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था वही पे हांगी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुआ था। उन्होंने जहाँ करके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि देखो ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप, कि इतने सब कुछ होने के बाद भी तुम आए हो यहाँ पर हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कॉम्पिटिशन हुआ, बाकी सब हुआ, पर जितने भी लोग था वो कम्प्लीट कर रहा था अपने बेस्ट हैंड से, और ये कम्प्लीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, केराली जीत गया। लेकिन वो यह नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि मुझे अपने हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उड़ा करके डाल दिया 1940 में, जो ओलंपिक्स होने वाला था। लेकिन 1940 की ओलंपिक्स कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उड़ा करके कहाँ डाल दिया? 1944 में, जो ओलंपिक्स होने वाला था उसके ऊपर। लेकिन 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। इसने अपना सारा फोकस उड़ा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसका एज था 28 साल, और 1948 पे उसका एज हुआ 38 ईयर्स। जो यंगर्स जो प्लेयर आता है निकल करके, उससे कंपटीशन करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसका डिक्शनरी में। वो गया, पूरी वर्ल्ड का बेस्ट शूटर आया हुआ था, जो अपने बेस्ट हैंड से कंप्लीट कर रहा था, और ये अपने ओनली हैंड से कंप्लीट कर रहा था। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स 2 बार कंप्लीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? केराली। 4 साल बाद लगातार 2 बार, और पूरी पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स पर। इस पार्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उससे पहले कोई भी प्लेयर ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपने लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एक विनर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ 1 वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।